की तैयारी के लिए गाइडलाइन अगर आपके पास है तो आप ज्यादा मार्क्स ले सकते हो, अपनी मेंटल एनर्जी बचा सकते हो। जैसे पांच पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है इसका जनरल अवेयरनेस, तो पेपर की नेचर कैसी है उसके हिसाब से आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर जाओगे। फॉर एग्जांपल जनरल अवेयरनेस है, अभी पेपर आपका अगर 2 हफ्तों 3 हफ्तों में डलना है तो आजकल की न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, 1 महीने पहले 2 महीने पहले की न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो वो अभी बुक्स में नहीं होगी। आप जल्दी बुक्स पढ़ते हो, उसके लिए क्या है कि आप न्यूज पेपर जरूर पढ़े रेगुलर। न्यूज पेपर में क्या है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल जो इश्यूज हैं वो डिस्कस किए जाते, वो जरूर देखें। अगर आपको आदत रीडिंग की नहीं है, उसके लिए दो इलाज हैं। एक तो आप न्यूज लिसन कर सकते हो, रेडियो पर सुन सकते हो, जहाँ टीवी पर कर सकते हो, पर फोकस किस न्यूज पर करना है ये जरूरी है। आपकी इकोनॉमिक्स जो सिलेबस में एरियाज दिए गए हैं बीएड के, वो एरिया से मैच कराओ, जैसे पॉलिटिकल है, एनवायरमेंट है, स्पोर्ट्स है, और एरिया भी है, उन पर फोकस कीजिए। और थोड़ी बहुत ही अगर बहुत आप डिस्कशन करते रहते हो उन पर कि ये किसने दिया, कौन बना है, डेट क्या थी, कब, है ना, तो वो चीज आप डिस्कस करते रहें। अगर आप कोई चीज को अंडरलाइन करते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ के किसी चीज को लिख लेते हो, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हो, तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगी। अगर आप जोड़ीदार हैं, आपके पास कोई जोड़ीदार है ना, दो जने हैं कम से कम, तो डिस्कशन इज ए वेरी गुड मेथड। आप इश्यूज को डिस्कस करते हो ना, इश्यूज को डिस्कस करते हुए जब अब अगर आपके पास सोर्स न्यूज़पेपर है तो उसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन में एब्रिवेशन है, जहाँ कोई लीडर है उसकी पोस्ट दी होती है, तो वो डिस्कशन आपके लिए मेमोरी लोड नहीं बनता, आपकी टेंशन नहीं बनती। दूसरी बात है कि ये जो जनरल अवेयरनेस का है, मेमोरी लेवल का है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी पे लोएस्ट लेवल का है, जहाँ तो आज जवाब आपको जल्दी आता है या नहीं आता, ठीक है। ये मेंटल एबिलिटी का जो नेक्स्ट पेपर होगा उसके बिल्कुल उल्ट है। इसके अलावा जो फैक्चुअल है वो आप किसी बुक से पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में आईने अकबरी किसने लिखी थी, तो बुक्स के नाम है, अचीवमेंट्स है, वार है, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। एजुकेशन में तो अवेयरनेस ज्यादा चाहिए क्योंकि एजुकेशन का एग्जाम है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल पॉलिसीज हैं, एजुकेशन कमीशन कब हुए, किस कमीशन का नाम क्या था, कब हुआ रिपोर्ट, जब कब जमा करवाई गई, तो नेशनल बॉडीज कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट, एनसीटीए है, एनसीईआरटी है, इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, यूजीसी है, ऐसी जो है आप बुक से लर्न कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनेंगे, वो आप भी देख सकते हो, ब्रीफ में वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट पेपर है हमारा मेंटल एबिलिटी। इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजीज क्या है कि आप पिछले पेपर जो है उनको सॉल्व, कारण क्या है कि जब भी पेपर सेटर देखता है वो पिछले पेपर को जरूर उठाता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि सिमिलर क्वेश्चन नेचर भी मिल रही है, थोड़ा सा चेंज आया है, इसमें एक बार जरूरी है जो किसी भी और पेपर में नहीं है। इसमें रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चन नहीं होगी एग्जैक्ट, जैसे टीचिंग पोटेंशियल में हो जाती है, जनरल अवेयरनेस में नहीं होती, लैंग्वेज में हो सकती है। तो इसकी एक्सरसाइज, दिस इज मेंटल एबिलिटी, जैसे मैं पहले कहा था वो मेमोरी लेवल का है, वहां क्रैमिंग चल सकती थी, यहाँ क्रैमिंग कोई नहीं चलेगी, यहाँ पर मेंटल एक्सरसाइज होगी। आपको डेली एक्सरसाइज थोड़ी करनी होगी, मेन आपको 2 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता उसको छोड़ देना चाहिए, जो सॉल्व होने वाला है उसको पहले करना चाहिए, उससे आपको हौसला मिलता है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आप करते हो। तो एक बेस्ट टेक्निक है इसकी, मेंटल एबिलिटी को आपने एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की ओर मूव करना है। उसके लिए आप कैलकुलेशन जैसे स्ट्रेटजी के साथ साथ वीडियो में बताता हूँ वो आप देख सकते हो, डायग्राम को यूज करना है, और जो लंबे क्वेश्चन है आपसे सॉल्व नहीं होते, टाइम ज्यादा लेते हैं और आपको फ्रस्ट्रेशन देते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। जो आप लगता है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज के साथ मैं ये कर सकता हूँ तो उनको सॉल्व करना चाहिए। एडिशनल एक्सरसाइज भी आपको डाल दूंगा, आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो। तो आप 4 5 पेपर पिछले सॉल्व कर लेते हो तो दिस इज सफिशिएंट। तो इसके अलावा मॉक टेस्ट हो सकता है, वो दे सकते हो आप। नेक्स्ट है टीचिंग पोटेंशियल। इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी है आप प्रीवियस पेपर ही सॉल्व करें। कारण क्या है कि प्रीवियस पेपर में रेपिटेशन टीचिंग पोटेंशियल में होती है। इसका वीडियो डाल दूंगा जो मैक्सिमम रिपीट हुए हैं 5 7 साल में क्वेश्चन, तो वो एक्सरसाइज। इसके फार्मूले या प्रिंसिपल को लर्न करना है आपको, प्रिंसिपल ऑफ टीएलपी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है कि फेवर पॉजिटिव सिचुएशन, लर्नर फेवर्ड जो
सिचुएशन है, जो ऑप्शन है उसको आपने ऑप्ट करना है। कई बार हाँ एजुकेशनल अवेयरनेस के क्वेश्चन टीचिंग पोटेंशियल में आ जाते हैं, दैट इज व्हाई एजुकेशनल अवेयरनेस मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। इस पर इस वीडियो जरूर बना लूंगा। तो ये अवेयरनेस भी काम आती है इस टीचिंग पोटेंशियल को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए आप तो पिछले 3-4-5 साल के क्वेश्चन जो है सॉल्व कीजिए, तो ये सफिशियंट है आपके लिए। नेक्स्ट है जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि जो स्कूल बुक्स हैं, खास करके 9th और 10th की अगर बुक्स हैं स्कूल की, वो किसी से ले लीजिए। उसमें ग्रामर पोर्शन है, क्योंकि इस बार कल्चरल क्वेश्चंस नहीं आने, पंजाब के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ग्रामर के ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आएगा, उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपको 70% पे कर सकते हैं। ये उनसे कम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज में आपको डायरेक्टली नए क्वेश्चन ग्रामर में आने हैं, और सिलेबस भी चेंज हुआ है इसका, जैसे कल्चरल आस्पेक्ट जो है निकाल दिए गए हैं। तो आप ग्रामर को रीड करना है, जैसे है ना एक वीडियो में बताया कि आपके सिलेबस में जो है प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रोपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंग्लिश में भी और पंजाबी या हिंदी में भी। तो इसकी एक्सरसाइज आप डायरेक्टली बुक से कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग भी पिछले पेपर डाले हुए हैं, वो पेपर हर जो पोर्शन है उसके जरूर देखने हैं। 5 पार्ट हैं उनके, पिछले पेपर 2-3 साल के जरूर एक बार देख लीजिए। लेकिन जो लैंग्वेज है उसकी मैक्सिमम तैयारी आप स्कूल की बुक्स से ही कीजिए, जो बुक आपको ज्यादा एक्यूरेट लगे। एग्जाम देने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा एक और बनेगी कि अपने गैस वर्क कैसे लगाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि जो पिछले पेपरों का एनालिसिस किया गया है उसके बेस पर गैस वर्क लग सकता है। और बात यह है कि 25% आपने स्कोर लेना है यहाँ से, 25% स्कोर, ये बात होनी नहीं चाहिए, 25% नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन है A, B, C, D है ना, इट मीन्स अगर आप एक को टिक लगाते हैं तो 25% चांसेस है, लेकिन पूरे नहीं होते 25%। वो आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप अगर नहीं भी पढ़े हुए तो आपने पेपर कैसे देना है। इस रिगार्डिंग आपको कोई क्वारी हो आप बात कर सकते हैं। थैंक यू। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह।